खबर बांग्लादेश से आज आएगी एयर इंडिया की फ्लाइट। एयर इंडिया ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी। AI 237 238 ढाका दिल्ली ढाका उड़ाने जाएंगी। 5 अगस्त से पहले बुक टिकट शेड्यूल करने की छूट मिली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर एयर इंडिया की तरफ से जो अपडेट दिया गया है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि इससे पहले जो हालात बने थे तो उस पर बाद में फिर रोक लगा दी गई थी विमानों को लेकर के। और अब कहा जा रहा है कि एयर इंडिया विल ऑपरेट इट्स इवनिंग फ्लाइट। और यहाँ पर जो विमान संख्या है बकायदा उसका जिक्र किया गया है, AI 237 238 ऑन द दिल्ली ढाका दिल्ली सेक्टर ऑन 6 अगस्त, यानी कि आज से जो इवनिंग की जो फ्लाइट है उसकी शुरुआत। इन एडिशन ड्यू टू द प्रिवेलिंग सिचुएशन इन ढाका, एयर इंडिया इज ऑफरिंग वन टाइम वेवर ऑन रिशेड्यूलिंग टू कस्टमर, यानी कि आप अगर आपने भी इस विमान में अपनी टिकट्स को बुक करवाया होगा तो इंडिया की तरफ से जो करंट सिचुएशन वहाँ पर ढाका में बनी हुई है इसको लेकर के फैसला ये लिया गया है कि रिशेड्यूल करने की छूट मिलेगी। ये बड़ी जानकारी और एयर इंडिया की तरफ से ये पोस्ट जिसके जरिए ये जानकारी दी गई, और साथ ही साथ कुछ नंबर हैं जिसको शेयर किया गया है जिसमें कहा जा रहा है कि कोई भी अगर असुविधा है तो इस नंबर पर यात्री संपर्क कर सकते हैं। 5 अगस्त से पहले बुक टिकट रिशेड्यूल करने की छूट भी मिली है। ये बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर एयर इंडिया की तरफ से ये अपडेट दिया गया है। और ये कहा गया है कि वैसे यात्री जिन्होंने बुकिंग करवाई थी एयर इंडिया के थ्रू और ढाका से जाने और आने वाले जो यात्री रहे होंगे 4 से 7 अगस्त के बीच में जिन्होंने भी बुकिंग कराई है, अगर वो चाहते हैं तो वो वापस से इसे रिशेड्यूल कर सकते हैं। इसके लिए पूरी छूट उन कस्टमर्स को, उन यात्रियों को दी जाएगी।